तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सूरदास जी से रिलेटेड हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। कुछ दिन पहले मैंने एक सूरदास जी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन उसमें थे और जो कुछ क्वेश्चन और भी बन रहे थे कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं पिछले कई सालों में, तो वो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि सूरदास किस काल के कवि हैं। नंबर एक वर्तमान, बी नंबर छायावाद, सी नंबर भक्तिकाल, डी नंबर रीतकाल। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूरदास जी भक्तिकाल के कवि हैं, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी भी करनी है और क्वेश्चन को सही से समझना भी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौसम कौन कुटिल खल कामी पंक्ति किस कवि की है। नंबर एक वल्लभाचार्य, बी नंबर नरिहरदास, सी नंबर तुलसीदास, डी नंबर सूरदास। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सूरदास, ओके, यानी कि डी नंबर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से भ्रमर गीत में कुल कितने पद माने गए हैं। नंबर एक 550 पद, और बी नंबर 1500 पद, और सी नंबर 700, और डी नंबर है 7000। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 700। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि सूरदास की गोपियाँ किसके पक्षधर हैं। नंबर एक गणेश भगवान की, बी नंबर श्री राम भगवान की, और सी नंबर है सगुण ब्रह्म की, और डी नंबर है नरसिंह भगवान की। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, नरसिंह भगवान की राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, ठीक है, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग डेली शाम को 7 बजे तैयार रहिए। इस समय कुछ दिन से मेरी वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इतना वर्क पड़ जाता है तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ा लेट हो जा रही है, लेकिन अब कंटिन्यू हो जाएंगी, इसके लिए आप चिंता मत करिएगा। और आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो तैयारी भी आप लोगों को अच्छे से करनी होगी, ठीक है। तो आप लोग सीरीज तो खरीद ही ले होंगे, सीरीज से भी पढ़ाई करिए, जो मैं वीडियो बनाता हूँ क्वेश्चन बताता हूँ ये भी आप समय निकाल के इसको भी देखिए, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिले एग्ज़ाम में। आपको जो भी क्वेश्चन लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन भी कर लीजिएगा जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत सूरदास की नहीं। नंबर एक सूर सारावली, बी नंबर सूर सागर, सी नंबर कृष्ण लहरी, और डी नंबर साहित्य लहरी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा कृष्ण लहरी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कि सूरदास जी किस रस का कोना कोना झांकाए हैं। नंबर एक शांत, बी नंबर वात्सल्य, सी नंबर श्रृंगार, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, शांत रस का, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि साहित्य लहरी में कितने दृष्टकूट पद हैं। नंबर एक 500, बी नंबर है 250, सी नंबर है 115, और डी नंबर है 118। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 118, ठीक है, डी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुखता किस काव्य शैली का प्रयोग हुआ है। नंबर एक रचनात्मक, बी नंबर पदात्मक, और सी नंबर गीत काव्य, और डी नंबर है प्रहसन, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर गीत काव्य, ठीक है, गीत काव्य। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि सूरदास जी वल्लभाचार्य से कितने छोटे हैं, कितने दिन छोटे हैं। नंबर एक 12, बी नंबर 5, और सी नंबर 6, और डी नंबर 10। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होना चाहिए था, मैं आपको बता दूं। तो यह क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था सूरदास जी वल्लभाचार्य से कितने दिन छोटे थे, ठीक है, थे होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा 10, ठीक है, डी नंबर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी पंक्ति में हारिल क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंछी, ठीक है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी में जो हारिल है वो का जो मतलब है वो पक्षी से है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जसोदा हरि
पलनय झूलावें पंक्ति में हरि कौन है? नंबर एक श्री राम, बी नंबर श्री कृष्ण, सी नंबर विष्णु जी और डी नंबर में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर श्री कृष्ण। ठीक है, हरि जो है वो है श्री कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ ही रहे होंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा ये सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में और इंटरनेट पर कैसे पा सकते हैं, पूरी डिटेल दूंगा, तो वीडियो को पूरी देखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टछाप में सूरदास का स्थान काव्य सौठस्सु और भाषा प्रजंजलता में किसके आगे है? नंबर एक जायसी, बी नंबर खुसरो और सी नंबर कबीर और डी नंबर है नंददास। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर नंददास। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूरदास की भक्ति में कौन सा तत्व है? नंबर एक शाखा भाव, बी नंबर आत्म निवेदन, सी नंबर माधुर्य भाव और डी नंबर इनमें से सभी। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से जो तत्व है वो है सखा भाव, आत्मनिवेदन, माधुर्य भाव, ये सभी हैं, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि मैया मोरी में नहीं माखन खायो पंक्ति किसकी है? नंबर एक है रामचंद्र शुक्ल की, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर सूरदास, डी नंबर रहीमदास। तो क्वेश्चन का राइट आंसर शायद आप लोगों को मालूम ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सूरदास की। आपके एग्जाम में जब आप लोगों को दोस्तों एग्जाम होगा, आप लोगों के एग्जाम जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ओमार सीट पर होता है, फर्स्ट ईयर वालों का जो एग्ज़ाम है वो अब ओमार सीट पे होने लगा है पिछले कई सालों से। कुछ यूनिवर्सिटी में शायद अभी रूल्स नहीं चेंज हुए पहले जैसे, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटी में सिर्फ अब ओमार सीट पे एग्ज़ाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसी तरह के कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार के दिखेंगे। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके जो चार ऑप्शन होंगे जिसमें से जो राइट आंसर होगा उसको आप लोगों को सर्किल में फिल करके उसे गोला करना होगा। ठीक है, फिलहाल जो स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि हाँ कैसे वो मार्कशीट फिल करनी है, कैसे क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी भी वो आप लोगों को देंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो गया है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर से भ्रमर गीत में गोपियाँ किसके तर्क वितर्क करती हैं? नंबर एक कंस, बी नंबर श्री राम, सी नंबर बलराम और डी नंबर उद्धव। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर उद्धव। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सुर सारावली किसकी रचना है? नंबर एक तुलसीदास, बी नंबर कबीरदास, सी नंबर सूरदास और डी नंबर है मीरा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जो सुर सारावली है वो सूरदास की रचना है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूरदास में कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? नंबर एक 15, बी नंबर 8 और सी नंबर 9 और डी नंबर 3। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है ऐसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 3 सूरदास में जो ग्रंथों की ग्रंथ उपलब्ध हैं उनकी जो संख्या वो 3 है। अगला क्वेश्चन है सूर सागर को किसने कृष्ण चरित का महाकाव्य कहा? नंबर एक राम कुमार वर्मा और बी नंबर यानी एफ नंबर है नामवर सिंह और सी नंबर यानी जी नंबर है ब्रजेश्वर वर्मा और एच नंबर है यानी कि डी नंबर देवी प्रसाद। यहाँ पर थोड़ा वो नंबरिंग चेंज हुई, आप कंफ्यूज में तो होइएगा, ए बी सी डी ही है नंबरिंग, कुछ भी हो सकती है, उसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी नंबर यानी कि सी नंबर। ठीक है, ब्रजेश्वर वर्मा सूर सागर को किसने रामचरित मानस से महाकाव्य कहा है, उनका नाम है ब्रजेश्वर वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में शायद पूछा भी गया कई बार, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कृष्ण का संबंध किससे है? नंबर एक सूर्यवंश से, बी नंबर रघुवंश से और सी नंबर यदुवंश से, डी नंबर है प्रोवंश से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जो कृष्ण जी का संबंध है वो है यदुवंश से। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर यदुवंश से, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है आयोजोग सिखावन पाणे में पाणे कौन है? ठीक है, तो ये जो पंक्ति है इसमें पाणे है, ठीक है, उसका जो अर्थ है या आप ऐसा भी कह सकते हैं जो पाणे के बारे में बताया गया है इस पंक्ति में वो कौन है? नंबर एक कृष्ण, बी नंबर सुदामा और सी नंबर है नंद और डी नंबर है उद्धव।
तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप लोग भले ही कुछ गेस करिए कि हाँ ये राइट आंसर होगा सर, ये होगा, अदरवाइज़ मैं तो राइट आंसर आप लोगों को बताता ही हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पाणी जो कहा गया, वो कहा गया है उद्धव जी को, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जैसा कि बताया पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख लीजिए, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, काफ़ी दिन पहले, यानी कि लगभग एक हफ्ते दो हफ्ते पहले अपलोड की थी। तो उसमें कुछ क्वेश्चन और भी लगे सूरदास जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने आप लोगों को वो भी क्वेश्चन बता दिए, यानी कि सूरदास जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को फाइनल कंप्लीट हो गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको जो समझ में नहीं आए दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन करिएगा, माइंड में जरूर सेट करिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने बताए इसमें से लगभग आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, और वो वीडियो भी ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। और कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास जैसे बहुत सारी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हैं, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ये सारे क्वेश्चन आपको PDF में कहाँ मिल जाएंगे मैं आप लोगों को ये बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है sandeepinfo.com, उस पेज आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा PDF भी डाल दूंगा, लेकिन वो सारी मैं क्वेश्चन जैसे कि आपने कोई वेबसाइट पर देखते हैं क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, दोनों मैंने डाल दिए, तो आप उससे ऑनलाइन भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं कहीं भी रहकर, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में। डेली आप शाम को 7 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है, तैयार रहिएगा, क्योंकि इस समय कुछ वर्क है मेरे पास, ले जो वीडियो थोड़ा लेट हो जा रही है उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन अब जल्दी टाइम सही हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।